Hello, students. How are you? Welcome to SBS English classes. We are here to solve MCQs. Multiple choice questions, vocabulary based questions. Choose the most appropriate word or phrase that बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस सेंटेंस मिस चुनिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सबसे अधिक उपयुक्त शब्द और फ्रेज या वाक्यांश दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस जो सेंटेंस को सबसे अच्छे तरीके से पूरा करता हो तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन है यहाँ पर चार आंसर दे रखे हैं इनमें ये टेक्स्ट की लाइन है यानी कि जो पीछे अपने लेसन पढ़ा है उसमें जो लाइन आई हुई है उनमें से एक लाइन ली गई है और हमें इसमें वही शब्द भरना है जो टेक्स्ट में आया है ठीक है इसमें इसके सिनोनिम भी हो सकते हैं लेकिन हमें भरना वही है जो टेक्स्ट में आया है जो पाठ्य पुस्तक में है वही भरना है उसका सिनोनिम नहीं भरना है तो आइए चलते हैं वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री कोई भी व्यक्ति विश्व इतिहास में किसी ऐसे आंदोलन को याद नहीं कर सकता है विच हैजो डोट द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस जिसने संपूर्ण मानव जाति की कल्पना को जकड़ लिया हो प्रभावित किया हो तो देखिए ग्रेप पहला है ए, इसका मीनिंग अंगूर होता है ग्रैप्ड भाग करके झपट करके पकड़ना या पकड़ा ग्रेस्प्ड का मीनिंग भी वैसे पकड़ा या जकड़ा होता है समझना भी होता है समझा ग्रिप्ड का नहीं होता जकड़ना या पकड़ना तो जो टेक्स्ट में आया हुआ है वो ग्रिप्ड है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये सही होगा जबकि इसका सिनोनिम ये भी है ये नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये नहीं आया है ये आया हुआ है तो ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डॉट डॉट हेल्थ पृथ्वी के आवश्यक लक्षण रिवील प्रकट करते हैं दैट ए पेशेंट की पृथ्वी एक मरीज है और वह है. स्वास्थ्य में है कैसे बिगड़ते हुए स्वास्थ्य में है या जिसका स्वास्थ्य है? निरंतर बिगड़ता जा रहा है तो रिक्लाइनिंग में सोता होता है आराम करना इनक्लिनिंग इच्छा करना साइकिलिंग साइकिल चलाना डिक्लाइनिंग बिगड़ना तो इसमें जो टेक्स्ट में है वो डिक्लाइनिंग है ठीक है ये इसका आंसर होगा द ऑफ डो डोट डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज इन नाइनटीन एटी सेवन कॉन्सेप्ट में से विचार डेवलपमेंट विकास वॉज पॉपुलराइज लोकप्रिय हुआ इन नाइनटीन एटी सेवन सतत विकास का विचार सतत सतत विकास का विचार उन्नीस में लोकप्रिय हुआ तो देखिए इसमें कौन सा सतत किसका मीनिंग है सस्टेनेबल इसका मीनिंग सतत सस... है कंटिनुअस इंस्टेबल असुरक्षित ससेप्टेबल अति संवेदनशील सुटेबल उपयुक्त तो हमने इसका मीनिंग पहले ही बता दिया था तो इसमें सस्टेन एबल आएगा सतत नेक्स्ट है अदर लिविंग स्पेसीज स्टिल लैंग्वेज अन नेम्ड इन डोट डोट डार्कनेस सिनोनिमस समान पर्याय या पर्यायवाची एनोनिमस अनाम गुमनाम, नाम इग्नोमीनियस अपमानजनक पूर्ण लज्जापूर्ण इंस्टेंटेनियस तुरंत एकदम तो इसमें स्टूडेंट्स इग्नोमीनियस आएगा अपमानजनक पूर्ण हो जाएगा अन्य जीवित प्रजातियां आज भी अपमान जनक अंधकार में गुमनाम जीवन यापन कर रही हैं या जीवन जी रही हैं तो इसमें क्या आएगा इग्नोमीनियस नंबर फाइव आर वी टू लीव क्या हम छोड़ने वाले हैं लैंडस्केप भूमि एंड एलिंग एनवायरमेंट बीमार पर्यावरण तो कैसी भूमि इम्प्रूव्ड उन्नत ट्रेबल अभेद्य इम्पोवरिस्ट प्राकृतिक रूप से उपजाऊ रिक्त भूमि उपजाऊपन रिक्त भूमि इम्परमियेबुल अभेद्य तो क्या हम प्राकृतिक रूप से उपजाऊपन रिक्त भूमि और बीमार वातावरण छोड़ने वाले हैं तो इसमें इम्पॉवरिस्ट आएगा

प्राप्त करने के लिए फायरवुड ईंधन की लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी को प्राप्त करने के लिए गरीब देशों में स्थानीय वनों को काटा जा रहा है या नष्ट किया जा रहा है तो देखते हैं किसका अर्थ है यहाँ पर इंप्लीमेंटेड क्रियान्वित किया जाना डी ले दी नष्ट करना या नष्ट किया डिलेटेड विस्तार किया चौड़ा किया डेसीमेटेड नष्ट किया देखिए अब यहां पर सी का और बी का दोनों का मीनिंग एक है लेकिन जो टेक्स्ट में आया हुआ है वो डेसीमेटेड है तो इसका आंसर डेसीमेटेड होगा ठीक है स्टूडेंट्स नंबर सेवन दर्ल्ड एंशियंट डोडोड ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग। ट्रॉपिकल कहते हैं उस कटिबंधीय फॉरेस्ट वन उस कटिबंधीय वनों का या वनों की विश्व की प्राचीन संपदा प्राचीन पैतृक संपदा इज नाउ इरोडिंग धीरे धीरे नष्ट हो रही है खराब हो रही है प्रीमोनिसन कहते हैं पूर्व सूचना प्रॉक्सिमिटी निकटता प्रोजेस्ट्रॉन पैट्रिमनी पैतृक संपदा तो इसमें जो टेक्स्ट में आया हुआ है वो मनी है ये इसका आंसर होगा दस नेक्स्ट है दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट इस प्रकार विकास इज द बेस्ट सबसे श्रेष्ठ या उत्तम क्या है परगेटिव कहते हैं रेचक कंप्रिहेंसिव व्यापक कंट्राफ्लो विपरीत प्रभाव कंट्रासेप्टिव जनन रोधी या गर्भ निरोधक तो इसमें जो टेक्स्ट में आया हुआ है वह कंट्रासेप्टिव है गर्भ निरोधक या प्रजनन रोधी इस प्रकार विकास सबसे अच्छा प्रजनन रोधी है या गर्भ निरोधक है ठीक है इसका ये सही था ये टेक्स्ट में आया हुआ था इसको हमने ये टिक किया नंबर नाइन इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली डॉट डॉट इट इज नॉट सजेस्टेड इस बात का यह इस बात की ओर इंगित नहीं करता है या संकेत करता है या यह इस बात को नहीं सुझाता है दैट ह्यूमन बींग्स कि मानव मनुष्य बी ट्रीटेड लाइक कैटल पशुओं की तरह व्यवहार किया जाए और आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से नसबंदी की जाए यानी कि यह इस बात की ओर इंगित नहीं करता कि मनुष्यों के साथ पशुओं के जैसा व्यवहार किया जाए और ज़बरदस्ती नसबंदी की जाए तो नसबंदी की जाने के लिए इसमें कौन सा वर्ड है यह हमें ढूंढना पड़ेगा और टेक्स्ट में भी होना चाहिए स्पेशलाइज e विशेषीकृत किया धारावाहिक निकाला स्टीरियोटाइप्ड रूढ़ीवादी स्टेरिलइज नसबंदी की तो इसमें स्टेरिलइज आएगा ठीक है स्टूडेंट्स नंबर टेन द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड डोट डोट ऑफ पॉवर्टी चॉइस मींस चयन इज रियली really वास्तव में चयन वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और सतत गरीबी के बीच है चयन वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी की निरंतरता के बीच है तो इसमें देखते हैं कौन सा है? पेनिट्रेशन भेदना पैल्पिटेशन घबराहट या स्पंदन प्रेसिपिटेशन स्थिरता या निरंतरता परपे च्यूएसन इसका मीनिंग भी स्थिरता या निरंतरता है तो जो टेक्स्ट में आया है इन दोनों का मीनिंग एक है लेकिन टेक्स्ट में परपेचुएशन आया है तो इसलिए इसका आंसर ये होगा ठीक है प्रीपीट प्रेसिपिटेशन नहीं होगा ठीक है तो ये हमने आपको एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए एग्जाम में हमें क्वेश्चन को लिख करके केवल आंसर को इसमें भरना है चारों को नहीं लिखना है ठीक है स्टूडेंट्स ये आपको एडवाइज करनी थी और चलते चलते यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपनी क्लास का काम समय से मिलता रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए वीडियो को कमेंट लिखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए उन्हें भी बताइए ताकि वो भी अपना काम इससे कर सकें फिर मिलते हैं आपसे नए चैप्टर की नई वीडियो में धन्यवाद